स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रुपेंद्रा बुल्ट वर्कशॉप पे। आज हम फिर हाजिर है एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपनी गाड़ी है BS6। सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ मैं, जो अपनी BS6 गाड़ी है या फिर जो भी कोई अपना बुल्ट लवर है, जो बुल्ट लाने से पहले हर चीज ये बात जरूर सोचता है कि भाई मैं बुल्ट लाऊंगा तो उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन कराऊंगा, उसके अंदर मैं क्या चेंज कराऊंगा और क्या नहीं चेंज कराऊंगा, इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं कि हमें वीडियो बुल्ट के अंदर जब लाते हैं क्या क्या चेंज कराने चाहिए और क्या नहीं चेंज कराने चाहिए। जैसे ये हमारी गाड़ी आई है BS6, ये वैसे चल तो गई है 8000 किलोमीटर और इसका करनी है इसकी मॉडिफिकेशन। जैसे कि इस वीडियो में सारी चीज़ करके दिखाऊंगा मैं किस तरह करते हैं, क्या चीज़ करनी चाहिए प्रॉपर, कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, जो हमारे जायज है वही करेंगे। जैसे कि इसके अंदर हम अलॉय व्हील फिट करेंगे और जो हमारे साइड तान है वो फिट करेंगे इसके अंदर, और जो ये स्टोक साइलेंसर ही हटाकर हम इसके अंदर सी बैंड करेंगे और शॉर्ट बॉटम लगाएंगे इसके अंदर, और हमारा इसके साथ साथ अपना जो हैंडल है वो करेंगे। और जब हम नई गाड़ी ले गए तो उसको लैमिनेशन करानी बहुत ज़रूरी है, तो इसके ऊपर हम लैमिनेशन करेंगे। इसकी खैर सर्विस वगैरह तो हो चुकी है, सर्विस और बफिंग वर्क पहले हो चुका है। तो अब करते हैं वीडियो स्टार्ट, बिना देरी करें लास्ट टाइम बात करते हैं क्या स्टेप्स हमने क्या करा और आगे बताएंगे भाई किस बंदे को क्या क्या कराना चाहिए क्या नहीं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, बिना देरी करेंगे। सी बैंड इसमें फिट और अपना साइड तान ये वाली है, हैंडल ग्रिप करके हम छोटा कर देंगे। और अलॉय व्हील की फिनिशिंग देखिए कितने प्यारे अलॉय व्हील हैं, ये देखिए इसके अंदर ये क्रोम फिनिशिंग आ रही है बिल्कुल साइड में, इस साइड में तो क्रोम पट्टी है इसकी, और जो अलॉय व्हील हमारे बीच वाले वो भी क्रोम है। पहले पेंट आते थे, अब ये भाई का नया डिज़ाइन अच्छा लगा उनको तो इसलिए हम ये पा रहे हैं, ये फिट करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, खोलते हैं गाड़ी को। तो सबसे पहले करते हैं हम ये साइड तान चेंज अपनी, ये सिंगल लगाएंगे। कई भाई इसको काट देते हैं पर काटने से वो बात नहीं बनती, ये सिंगल ही अच्छी लगती है, सिंगल जब लगाएंगे इसको और अलॉय व्हील भी हमारे अच्छी तरह दिखेंगे। तो उसको लगाने से पहले हम पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी जो सीट है सीट खोलनी पड़ेगी। सीट के लिए हमारे ये बोल्ट खुलेंगे 12 नंबर के पीछे वाले और 2 आगे के, और साइड तान खोलने के लिए 15 नंबर का और जो 21 नंबर का इस साइड हो गया ऐसा ही साइड है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, बिना देरी करें खोलते हैं। अपनी साइड तान तो चेंज हो चुकी है, अब हम करते हैं साइलेंसर चेंज, फिर करेंगे इसके बाद हम अलॉय व्हील चेंज। ये साइलेंसर बैंड फिलहाल खोल दिया है मैंने, क्योंकि अब करते हैं अलॉय व्हील फिट, क्योंकि फिर ये टायर वगैरह खोलने में थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो हम पहले अलॉय व्हील फिट कर लेते हैं। जो अपना ये बैरिंग है ये हमें टायर खोलने से पहले, टायर निकालने से पहले रिम से और बैरिंग पहले निकालने हैं, क्योंकि फिर बाद में जो हमारे मुड़ने का खतरा रहता है। तो करते हैं इसके अंदर ये प्राडो कंपनी के हमारे अलॉय व्हील्स, ये पीछे वाला है, करते हैं इसको फिट।
हैं उस साइड से पैरिंग कर दिया, फिर अपनी कपलिंग भी चेक करके डाल दिया, फिर कर दी। और अब क्या करते हैं, जो ये वाली गैप है ये पार्सल, ये अंदर लगाने के बाद ना आपको इसके ऊपर ये रख के देखना है कि जो हमारा ये जहाँ बैरिंग लगता है लास्ट स्टेज है उसकी, जो उससे थोड़ी ऊपर रहना चाहिए। अगर थोड़ा नीचे होगा ना तो बैरिंग बार बार टूटने का खतरा रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ही रहना चाहिए। ये चेक करने के बाद हम डाल, पीछे वाला लेवल होता है इसका। अब करते हैं अगले की बारी, आगे जैक लगा के फिर खोलते हैं इसको। तो देखिए अपने अलॉय व्हील वगैरह फिट होने के बाद हमने इसका लैमिनेशन का वर्क था वो भी कंप्लीट कर दिया। इस वीडियो में आपको लैमिनेशन का वर्क नहीं दिखाया क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाती, इसलिए ये चेक करें लैमिनेशन अपनी, लैमिनेशन भी हैवी वाली है। और अपनी सारी गाड़ी लैमिनेशन हो चुकी है, हमने सीट वगैरह फिट कर दिया इसकी, ये चेक करिए सारी बॉडी लैमिनेशन। इस साइड से भाई साइलेंसर बैंड फिट हो रहा है, ये चेक करिए ओरिजिनल बिल्कुल। तो अब करते हैं अपने हॉर्न फिट, ये यहाँ पे लगेंगे हॉर्न हैवी पत्ते के साथ। रिले वायरिंग का काम पहले हो चुका है, रिले वगैरह लग चुकी है इसकी, ये चेक करिए अपने रूट्स लग गए हैं कितने अच्छे लुक आ रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए कि भाई हॉर्न रूट्स कैसे लगाते हैं तो उसकी भी वीडियो अलग से बनाई हुई है मैंने, इस वीडियो में खैर दिखाया नहीं। ये चेक करिए सीट इसलिए खोल लिया ताकि सीट कवर चढ़ा सके इसका। ये चेक करिए हॉर्न काफ़ी अच्छे लुक लग रही है इनकी। अगर आपको ऊपर नीचे चाहिए तो छोटी पत्ती करके भी कर सकते हैं। ये वायरिंग वगैरह लगाते हैं फिर इसकी, दिखाते हैं आपको फिर साउंड इनकी। ये सीट कवर लगाने के बाद इसके अंदर हमने लगाया सीट कैरियर ताकि पीछे से पकड़ के बैठ सके कोई बंदा, और हैवी वाला है प्योर। ये चेक करिए सीट कवर की फिटिंग वगैरह इसकी, लगभग अपनी गाड़ी फिट हो ही चुकी है। ये देखिए अब इसके नंबर प्लेट का काम चल रहा है, मतलब प्लेट वगैरह वाइट करके फिट करनी है इसकी। अब करते हैं इसका हैंडल छोटा करते हैं, हैंडल काट कर। ये लगभग अपना हैंडल का भी काम हो चुका है, हैंडल के बाद हम करते हैं दूसरा काम अपना। ये हमें जो साथ में ब्लैक स्टैंड आता है साइड स्टैंड, ये लगाना है इसमें क्रोम वाला फिनिशिंग वाला, साथ साथ स्टैंड स्प्रिंग भी चेंज होगा। ये चेक करिए अपना अब हेडलाइट, और अपने पार्किंग लाइट हमने चेंज कर दिया, हेडलाइट अब दूसरी पाते हैं। उससे पहले हम ये चेक करिए नंबर प्लेट, हम लगा देते हैं हेडलाइट का बल्ब चेंज हो रहा है। ये छोटी प्लेट लगाने के बाद ये लगानी है इसके अंदर HID, ये चेक करिए भाई ने कंप्लीट लाइट चेंज नहीं करवाई, इसके खाली इनको बल्ब चेंज करवाना था तो इसके अंदर HID लगा दिया हमने। तो हाँ जी फाइनली हो चुकी है अपनी गाड़ी रेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो भी हमारे बुलेट लवर हैं, जो भी भाई बुलेट लेके आते हैं तो उनके दिमाग में ये बात जरूर आती है कि भाई मैं जब भी बुलेट लेके आऊँगा तो उसके अंदर क्या क्या काम कराना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सारे बताऊंगा मैं, वैसे मैंने करके भी दिखा दिया है क्या क्या काम हुआ है, फिर भी आपको अच्छी तरह डिटेल देता हूँ कि जब भी बाइक लाए तो आपको क्या कराना चाहिए और क्या एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन होने के बाद जो गंदी लगती है जायज मॉडिफिकेशन बताऊंगा आपको भाई, वही कराएं। इसके अलावा आप कराओगे तो ज़्यादा ओवर हो जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड बुलेट है, स्टैंडर्ड ऐसी है जो इतनी सिंपल रखोगे उतनी अच्छी लगती है। वो तो अपनी क्लासिक होगी, हिमालयन होगी, उसके अंदर लगते हैं जो भी दूसरी एक्सेसरी लगती है, इसके अंदर सिंपल सदाबहार है। तो सबसे पहले जो हमारे आते हैं बाइक साइलेंसर कराते हैं चेंज, आप मैंने कहते लीगल तो नहीं है खैर ये, पर जो भी अपने शौक के लिए लेते हैं गाड़ी को और शौक का कोई मोल नहीं तो भाई कोई नहीं देखते लीगल वगैरह क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले कराएं हमने सी बैंड चेंज, इसका देख सकते हो आप जेनुइन सी बैंड है और अपना स्ट्रोक साइलेंसर है। आप चाहे तो खाली डी बैंड रह सकते हो और स्ट्रोक ढोल की चेंज कर सकते हो, पर इनको आवाज़ चाहिए थी बढ़िया तो उन्होंने सी बैंड चेंज कराया। और ये अपनी गाड़ी BS6 है तो इसके अंदर कोई लोकल सी बैंड नहीं चलेगा, इसके अंदर पॉइंट तो आप जेनुइन पॉइंट रॉयल एनफील्ड वाला, और ये आपको देखा था जो ओल्ड मॉडल में आता था, फिर इसके अंदर बुश फिट करके फिर इसके अंदर फिट कराया हमने। और इसके साथ साथ भाई ने करवाए हॉर्न रूट्स, हॉर्न आप जरूरी तो नहीं आप रूट्स ही फिट करवाए, छोटे से थोड़े और बड़े हॉर्न फिट करवा सकते हैं जो, पर इससे बड़े नहीं, इससे बड़े खैर आते भी नहीं, ये बढ़िया सिस्टम है इसका। तो और तीसरे नंबर पे जब भी आप बाइक लेके आए नई वाली तो आपके लैमिनेशन करानी बहुत जरूरी है कि जो भी छोटी मोटी स्क्रैचेस है हमें बहुत प्रोटेक्शन करता है। इसके साथ साथ आप फिर आप सीट कवर भी डलवा सकते हैं क्योंकि जो हमारा जनरल सीट कवर होता है अगर वो फट जाए तो थोड़ा दुख भी होता है, ये थोड़ी सेफ्टी रखता है। इसके बाद जो हमारा सीट कैरियर सीट लीवर होता है वो बड़े वाला आता है तो भाई ने छोटा फिट करवाया लुक के लिए,
इसके साथ साथ जब आप एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन और चाहते हो, वैसे तो हैंडल जो वेट होता है साइड में सेफ्टी होते हैं भाई, जब गाड़ी गिरती है तो टंकी की सेफ्टी करते हैं, पर जब लेग गार्ड लग रहा है तो आपको उसको कटवा कर छोटा हैंडल हो गया। आप चाहे तो उसका हैंडल चेंज करवा सकते थे, पर भाई को चाहिए जैनुइन चीज तो उन्होंने कटवाई दी यहाँ से। अब करते हैं हम लाइटिंग के बारे में बात। जो हमारा बल्ब है, जो कंपनी सिंपल लाइट देती है, पर कई भाई को वो अच्छी नहीं लगती, तो एक्स्ट्रा लाइट के लिए इन्होंने भाई ने HID फिट करवाई इसके अंदर। हमने इसके अंदर ज़्यादा वो बड़ी वाली लाइट नहीं पाई, क्योंकि भाई को अच्छी नहीं लग रही थी लुक बिकल भी। उनको कहना था कि भाई जितनी गाड़ी सिंपल लगेगी मुझे उतना अच्छा लगेगा, बस लाइट का फर्क होना चाहिए। तो इसके अंदर की HID चेंज कर दी है, और इस साइड से आप, और इसके साथ साथ आप जो इस साइड होती है सीट कैरियर, सॉरी साइड तान, जो जिस पर लेडीज पैर रख सकती है, भाई ने वो भी हटवा दिया, क्योंकि ये सिंगल चलते हैं और अभी मैरिड नहीं है तो इनको कोई जरूरत भी नहीं है फिलहाल। और इसके साथ साथ ये इन्होंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि भाई जो अलॉय व्हील है उनको दिखते नहीं है सही तरह, ताकि लुक अच्छी लगे। पहले आपको बताया था कि भाई शौक बड़ी चीज़ है तो उनको कोई मैटर नहीं करता। इसके साथ साथ भाई ने जो अपना पहले आता था इसमें ब्लैक वाला ब्लैक स्टैंड, तो एक क्रोम फिनिशिंग का लगवाया। और इसके साथ साथ अपना हैंडल तो हो ही गया, इसके अलावा आप करा सकते हैं वैसे जो चीज़ थी भाई ने इतने, इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर कराओगे तो वो एक्स्ट्रा लगेगा, ज़्यादा स्टिकर वगैरह कुछ नहीं लगवाया इन्होंने। बस अगर आप कर चाहते हो तो इसके चकोर लाइट लग सकती है और सिंगल गियर लीवर हो जाता है, पर भाई इसको लंबी रोड पर भी लेके जा सकते हैं, तो सिंगल गियर लीवर इन्होंने इसलिए नहीं लगवाया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। वीडियो में इसमें दिखा दिया मैंने आपको लेवल वगैरह फिट कैसे करें, साइलेंसर वगैरह कैसे फिट करें, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसकी साउंड चेक कराता हूँ।